का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइन में। मैं इस वक्त आया हूँ मिलने के लिए, बहुत ही फेमस डॉक्टर है यहाँ के लुधियाने के, डॉक्टर अतुल मिश्रा जी। यहाँ पर दयानंद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, यहाँ पे सर्जरी वगैरह की जाती है, बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब से मैंने अपॉइंटमेंट ली और इन्होंने मुझे हामी भरी कि ठीक है मैं अपने 10 मिनट आपको दूंगा। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट नेचुरल डिज़ास्टर है जिसपे कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं, बट इस डिज़ास्टर ने ये चीज़ शो करी है कि है तो नेचुरल डिज़ास्टर बट जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग है, ये चीज़ इस चीज़ में हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह फेल कर रही है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जो कि इन चीज़ों को होने से बचा सकें। जहाँ पर कई जगह पैसे कंस्ट्रक्शन हुए हैं जो कि इलीगल थे, इलीगल को लीगल बनाया, पहाड़ों के एजेस पे थे, नदी के पास थे जो कि बह गए। जो लेक वहाँ है उसकी भी जो वॉल देखी आई थी वो बहुत ही वीक थी और सारे कंस्ट्रक्शंस थे, कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो वी कैन से इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, बट ये हमारी वीकनेस है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कि हमें मजबूर करता है इसको इतने हाई लेवल ऑफ कैलामिटी में। आपका सर क्या कहना है कि क्या आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या नेचर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल आपका क्या कहना है? और साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि जो अभी वहाँ पर गवर्नमेंट है कांग्रेस की उत्तराखंड में, वो वहाँ पर आपके हिसाब से जो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वहाँ पर लोग बचाए जा रहे हैं या फौज है वहाँ पर, अलग अलग तरह की आर्म फोर्सेज हैं वहाँ पर, जो डिप्यूट हैं वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, आपको अगर मैं रेटिंग करने के लिए बोलूँ 1 to 5 आउट ऑफ 5 आप क्या रेट करेंगे? और उत्तराखंड के लोगों के लिए जो वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग कर रही है, जैसे इस तरह से बचा रही है, आप गवर्नमेंट को किस तरीका से देखते हो, क्या बोलना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसको ब्लेम करना है कि ये डिज़ास्टर क्यों हुआ? नेचर का रोल जरूर है, बट हम लोगों ने नेचर को डिस्टर्ब किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हैं, रोड्स बनाई हैं और काफ़ी डैमेज किया है। तो नेचर का जब आप हम डैमेज करते हैं तो आपको ये नेचर पे करता है, पे बैक करता है। तो एज अ सिटीज़न एवरीबडी रिस्पॉन्सिबल, और ऑब्वियसली इसको मेंटेन करने में गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का जाता है। सो आर यू हैप्पी विद द कोऑर्डिनेशन राइट नाउ? गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन से आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो शुक्र है आर्मी का जिसने टेक ओवर करके लार्ज स्केल पे जो अपना प्रोग्राम करके और लोगों को बचा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट के बल पे होते तो कोई भी जाने नहीं बचती, बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाती, और इसको आर्मी ने कंट्रोल किया है, गवर्नमेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं मानता हूँ मैं इसमें। अभी हमने देखा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग मरे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नेचर से, प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, जो सबसे बड़ा मुख्य रीज़न है वहाँ पर अभी डिजास्टर का। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वहाँ पर आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, हमने भी देखा कि लॉट ऑफ पीपल डाइड इन द डिजास्टर इन रिसेंट पास्ट, और बहुत सारे लोगों की लाशें हैं जमीन के नीचे दबी पड़ी हैं जिनका कुछ वहाँ पर सेल्फ मैनेज नहीं हो रहा या ऐसे ही चलाया जा रहा। तो हमारा जो, मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ, वहाँ पर जो तरह तरह की, मुझे आप बताएं कि ज़मीन के अंदर क्या क्या पॉल्यूशन फैल सकता है, वाटर पॉल्यूशन है या किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं लोगों को? एज ए डॉक्टर आप क्या किस तरह से प्रिकॉशन लें कि वहाँ पर जो महामारी अब फैलने वाली प्लेग वाली स्थिति होने जा रही है, कुछ लोग बीमार पड़ने शुरू, छोटे छोटे बच्चे एक तो अनाथ हुए पड़े हैं ऊपर से बीमारी है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? बेसिकली ऐसी जब भी आपदा ऐसी आती है, जब भी डिज़ास्टर आता है, तो 3 तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। पहली प्रॉब्लम सामने आती है कि कोई भी आदमी है वो एक अंडर स्ट्रेस है, वहाँ पर कोई पहले से बीमार है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट का पेशेंट है, अचानक वो फंस गया तो उसकी दवाई का सप्लाई भी नहीं है, उसके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो पुरानी बीमारियां हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं और उनका मैनेज करना मुश्किल होता है। सेकेंड लेवल पर आता है कि इतनी ज़्यादा भूख मरी है, लोगों को चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, बेघर हैं, ठंडे में हैं, छत नहीं है, तो दे आर एक्सपोज टू ऑल दिस काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस जिसमें कि दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ इलनेस। और डायरेक्टली जब आपने पूछा कि जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर बैक किया गया, उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो फैलती है, जैसे कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया, ये बहुत कॉमन है बिकॉज लोग वही गंदा पानी पी रहे हैं और पानी से इन्फेक्शन फैलता है, और वो इन्फेक्शन ऐसे कंडीशन में जब उनके पास कोई प्योर वाटर नहीं है पीने का, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं,
तो ये बीमारियाँ हैं। इसके अलावा जो जानवर वहाँ पर जो सर्वाइव कर रहे हैं या जानवर बने हुए हैं उनको खा के प्लेग जैसी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, और इन बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सारे लोग इकट्ठे हैं, एक बीमार बंदे को मदद नहीं कर सकते, ना दवाई की सप्लाई है ना फूड सप्लाई है, तो ये महामारी का रूप ले लेती है, एपिडेमिक का रूप ले लेती है, जिसको कि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। गवर्नमेंट को पहले तो अब वो ही उनको पूरा दे शुड लुक आफ्टर द होल सिस्टम, उनको देखना चाहिए कि जहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर भी रिवर हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करना है, कितना डिफॉरेस्टेशन, कहाँ पेड़ काटना है कहाँ नहीं काटना है, कहाँ पर रोड बनानी है, रोड पे किस लेवल का सपोर्ट बनाना है, कोई वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं, उन पे कितना सपोर्ट होनी चाहिए, उनको कैसे मॉनिटर करना है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लास्ट कल के अखबार में ये भी आ रहा है कि मेट डिपार्टमेंट ने इनको वॉर्न भी किया था कि हेवी रेन आने वाली है, तो इन लोगों ने पिलग्रिम्स को रोकना था जाने से, इन्होंने रोका नहीं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। बट इनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से फीडबैक लेके ऐसा कोई आपदा आने वाली है तो कम से कम नए लोगों को तो ना जाने दें, जो वहाँ के रहने वाले हैं गांव वाले हैं उनको तो बचाना ही है, जो लोग बाहर से लाखों की तादाद में जाते हैं एटलीस्ट उनको तो रोक सकते हैं, तो दे हैव टू बी मोर अलर्ट इन फ्यूचर। वहाँ पर जो मदद पहुँच रही है, बहुत सारे NGOs वगैरह वहाँ पर लेके पहुँच रहे हैं, हम लोग भी पहुँचे हुए थे वहाँ पर एक बारी, फिर हम लोग 15-20 तारीख के बीच में हमारी प्लानिंग है, हम लोगों का जो भी एफर्ट बन पर अवेलेबल हो जाए। वहाँ की गवर्नमेंट को आप क्या मतलब, गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पर हेल्प जो है रशद या वगैरह वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, मतलब एक नहीं 200-300 ट्रक वहाँ पर थे जहाँ पर ट्रक में भरा भरा था लुधियाना हर जगह से, जिसका जो औकात है वो देता है लेकिन वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो बीच में मैंने ये भी सुना था कि गवर्नमेंट ने इसमें पार्टी राजनीति को बीच में ला दिया और कहा कि नहीं, एक्स पार्टी ने कहा कि गुजरात के इतने लोग बचा लिए तो हम नहीं अलाउ करेंगे। जब ऐसी आपदा आती है तो दोनों हाथ खोल के हर तरफ से हेल्प को रिसीव करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए, और इसमें भी लाइसेंस राज नहीं लाना चाहिए कि हर चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू होगा। देयर आर सो मेनी इंडिपेंडेंट NGOs एंड अदर स्टेट्स, इफ दे वांट टू हेल्प लेट देम हेल्प इट। हर आदमी तो बीच में एक स्टेटमेंट सुना था मुख्यमंत्री का कि कोई भी हेल्प होगी वो सरकार के थ्रू होगी, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली गवर्नमेंट को जो हेल्प चाहिए और जो आर्मी को हेल्प चाहिए, एज अ डॉक्टर हमें मेडिसिन सप्लाई, खाने की सप्लाई, एज अ डॉक्टर वी कैन वॉलेंटियर, फ्यूचर डॉक्टर्स भी जाने होंगे वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं वहाँ, जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं वो उतना सफिशियंट ना हो, जैसे डॉक्टर जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, हम दवाइयाँ भेज सकते हैं, ग्लूकोज की बोतलें भेज सकते हैं, और खाने की चीज़ें, टेंट्स वगैरह, उनको कंबल वगैरह, ठंडा मौसम है, ब्लैंकेट्स वगैरह, कपड़े पहनने के, तो जितना भी हो सके भर सक सब हर बंदे को, हर आदमी को मदद करनी चाहिए। और कुछ अच्छा हुआ, एक और आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में हमारा जो भी वेलफेयर एसोसिएशन है, NGO है, हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प है करना, फ्यूचर में अगर हम आपके पास आएँ और आपसे दवाई वगैरह की मदद लें तो क्या आप उसके लिए कितना सपोर्ट करना चाहेंगे? फ्यूचर में आप जब भी आएंगे, ऐसी कोई आपदा आती है, हम दिल खोल के दोनों हाथों से आपका जितना भी हेल्प हो सकेगी अपनी आवश्यकता में अपनी हेल्प करेंगे आपको, इससे कोई आप किसी को आराम मिल जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है, जितना भी हेल्प हो सके हम करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मैं अतुल जी के साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई भी मना नहीं कर रहा है कि मैं पैसे हो, दवाइयाँ हों, डॉक्टर है, चाहे कोई दवाई दुकान है, किसी के किराने की दुकान है, वो चावल दाल आटा लेके दौड़ रहा है आज के डेट में हेल्प करने के लिए। दिक्कत है कोऑर्डिनेशन की, जो कि अतुल जी भी बता रहे हैं और बाकी के डॉक्टर्स के जो भी हमने इंटरव्यू लिए वहाँ पर भी, सब चीज़ें पूरी पब्लिक जानती है कि वहाँ पर गवर्नमेंट हर मायने में फेलियर हो रही है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो भी वहाँ पर जो हेल्प के लिए जो हाथ खड़े हुए हैं उनको फ्री दे हाथ छोड़ दे, उन पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ही डालना है या रामदेव जी के उसमें ही डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। खुले हाथ से, खुले दिल से, विदाउट एनी पॉलिटिक्स हमें लोगों का स्वागत करना चाहिए जो भी हाथ वहाँ मदद के लिए आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इवनिंग। मैं अमित और डॉक्टर अतुल जी के साथ यहाँ पर न्यूज चैनल के, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू यू।